स्विफ्ट, एक ऐसी कार जिसने मारुति सुजुकी के सेल्स चार्ट्स में बेतहाशा उछाल ला दिया था। आज से लगभग एक दशक से पहले जब मारुति सुजुकी ने स्विफ्ट कार मार्केट में लॉन्च की थी, तब किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि भारतीय बाजार के लिए ये एक माइलस्टोन बन जाएगी। इतने साल प्रोडक्शन में रहने के बाद इस साल मारुति सुजुकी ने स्विफ्ट को एक नए डिजाइन के साथ रिलॉन्च किया है। पुरानी स्विफ्ट के लाखों यूनिट्स अब तक बिक चुके हैं और काफी पॉपुलर कार रहने के बाद लोगों को नई स्विफ्ट से भी काफी उम्मीदें हैं। तो आइए आज देखते हैं नई स्विफ्ट में क्या फीचर्स दिए हैं मारुति सुजुकी ने। मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2018 का नया डिजाइन एडवांस्ड है और ओल्ड स्विफ्ट के मुकाबले डिजाइन्स में काफी चेंजेस भी देखने को मिले हैं। नई स्विफ्ट को मारुति ने दो इंजन ऑप्शंस के साथ पेश किया है, जिसमें से 1197 सीसी चार सिलेंडर पेट्रोल इंजन है और दूसरा 1248 सीसी चार सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन है। दोनों में ही 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 5 स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन है। स्विफ्ट का प्राइस 5,14,000 से 7,81,000 के बीच है और स्विफ्ट को पहले से थोड़ा वाइड कर दिया गया है। नई मारुति स्विफ्ट में स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट, रिवर्स कैमरा, वॉइस रिकॉग्निशन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे कई फीचर्स भी हैं। जहां तक माइलेज की बात की जाए तो पेट्रोल वर्जन की एस्टिमेटेड माइलेज है लगभग 21 किलोमीटर प्रति लीटर और डीजल वर्जन की है 25.5 किलोमीटर प्रति लीटर। डायमेंशन नई स्विफ्ट का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। नई स्विफ्ट की लेंथ है 3840 मिलीमीटर, जो पुरानी स्विफ्ट से 10 मिलीमीटर कम है। विड्थ नई स्विफ्ट की ज्यादा है पुरानी के मुकाबले। नई स्विफ्ट की विड्थ है 1735 मिलीमीटर, जबकि पुरानी की 1695 मिलीमीटर थी। हाइट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। व्हील बेस नई का 2450 मिलीमीटर है, जबकि पुरानी का 2430 मिलीमीटर था। ग्राउंड क्लीयरेंस एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है, तो स्विफ्ट का ग्राउंड क्लीयरेंस पहले के मुकाबले कम है। नई स्विफ्ट का ग्राउंड क्लीयरेंस है 163 मिलीमीटर, जबकि पुरानी का ग्राउंड क्लीयरेंस 170 मिलीमीटर था। यानी कि पहाड़ी रास्तों और छोटे मोटे गड्ढों में आपको नई स्विफ्ट में और संभल के चलना पड़ेगा। बूट स्पेस की बात करें तो पहले के मुकाबले अब बूट स्पेस ज्यादा है। पुरानी स्विफ्ट के 210 लीटर बूट स्पेस के मुकाबले नई स्विफ्ट में 268 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। स्विफ्ट मारुति सुजुकी की एक गेम चेंजर कार है और लोगों की भी काफी एक्सपेक्टेशंस इस कार से रही हैं और रहेंगी। अब मार्केट में आने वाले दिनों में इसका रिस्पांस क्या रहता है, ये वक्त ही बताएगा। आप नई स्विफ्ट के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। इंडिया की तमाम तरह की खबरों के लिए हॉट इंडियन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।